आज एक नई प्रोडक्ट के साथ जो टाइल्स एंड विट्रीफाइड बॉडी को कटिंग करने के लिए 2 फीट से लेके 10.5 फीट तक ये प्रोडक्ट चलेगा। तो अभी मैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दूं कि इसमें साथ में क्या क्या आता है और कैसे उसको कटिंग करते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, टोटली 3 ट्रैक मिलेगी आपको, जो प्रोफाइल बोल दें इसको, 3 इस टाइप का वैक्यूम मिलेगा और एक ये कटिंग करने का ब्लॉक है जिसमें टंगस्टन कार्बाइड का ऑलरेडी हेड ब्लेड हमने यूज़ किया है और ये ट्रैक पे चलता है। नेक्स्ट आता है ये हमारा ब्रेकर है जो टाइल्स को 2 हिस्सों में तोड़ने के लिए वर्कआउट करेगा। तो अभी ये जो टाइल्स आप देख रहे हैं ये 32x67 का है, तो इसको हम कटिंग करने के लिए 2 प्रोफाइल का फिलहाल यूज़ करेंगे क्योंकि 2 प्रोफाइल से इस टाइल्स को आप कटिंग कर सकते हो। ये 32x67 का ये टाइल्स है, तो ये प्रोफाइल में जो ये लॉक है यहाँ पर उसके साथ ये लॉक हम दोनों कनेक्ट करेंगे और फिटिंग करके टाइल्स को कटिंग करके आपको दिखाएंगे। तो ये प्रोफाइल और ये दूसरी प्रोफाइल हम लोग यहाँ से इसका ये मैकेनिज्म जो है लॉक वाला है इसके साथ एक ये सिस्टम आता है जो प्रोफाइल को दोनों हिस्सों को खींच के रखती है। तो पहले इस दोनों प्रोफाइल को जोड़ लेते हैं। ये हमारा जुड़ गया है, इसके बाद इसको यहाँ से स्प्रिंग लगाना है और इसको प्रेस करना है तो ये पूरा जॉइंट ही रहेगा। अभी हमारा टाइल्स यहाँ तक है तो ये एरिया हमारा वैक्यूम में आ गया क्योंकि ऑलरेडी स्लाइड इसमें दिया गया है, आप वैक्यूम को आगे पीछे कर सकते हो, वहाँ भी कर सकते हो। तो फिलहाल हमने 2 प्रोफाइल को जॉइंट किया, साथ में इस वैक्यूम को जहाँ रखना था वहाँ रख दिया है। इस नॉब को टाइट करते हैं। आफ्टर जो हमें यहाँ से समझो कि मैप से कटिंग करना है इसको, एग्जांपल के लिए कि ये 10 सेंटीमीटर का कटिंग करना है तो आपको 11 सेंटीमीटर यहाँ पर रखना पड़ेगा। जस्ट मैं यहाँ पर 11 सेंटीमीटर पर नज़दीक से दिखाऊँ, 11 सेंटीमीटर रख दिया एंड इसको लॉक कर देंगे। ये भी यहाँ से हिलेगा नहीं, नेक्स्ट आगे का करते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने 11 सेंटीमीटर का कंफर्म करके वैक्यूम को लॉक करना है दबाने के बाद, जस्ट एंड वैक्यूम। तो ये प्रोफाइल पूरा टाइल्स के साथ जुड़ चुका है। अभी हम इसको हिला के देखेंगे कि पूरा टाइल्स ही हिलेगा, पट्टा नहीं हिलेगा। इसमें पाटा पट्टी क्लैंप अदर डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इस ब्लॉक को जो ये कटिंग करेगा हमारा यहाँ पर मार्क करेगा टाइल्स में, ये टंगस्टन कार्बाइड का व्हील है विथ 3 ट्रैक में चलाने के व्हील है। तो यहाँ से एंटर करेंगे एंड फर्स्ट हम इसको प्रेस करेंगे, मोमेंटिंग करता है अप एंड डाउन, वहाँ से रिवर्स में इसको खींचेंगे तो छोटा सा मार्क हो गया एंड पॉइंट तक। फिर से जहाँ मार्क था इसके ऊपर ब्लॉक रख के हम एंड पॉइंट तक पूरा मार्क लगा देंगे। तो ऐसे इसको पकड़ना है, दबाना है एंड चलाना है। तो ये मार्क हो चुका है, अभी इस ब्लॉक को हम निकाल देंगे, वैक्यूम को हटा देंगे। अभी ये प्रोफाइल के साथ डिस्कनेक्ट हो गया, टाइल्स को थोड़ा सा आगे खींचेंगे एंड ये इसका ब्रेकर है, इसका जो मार्क है इस पर सेंटर मिलाएंगे, यहाँ जो सेंटर आपको मिलाना है, स्लो मोशन में इसको टाइट करेंगे। ब्रेकर का तरीका यह है कि लंबी लेंथ है, अभी 32x67 है, मान लो आप 4x8 सीट काट रहे हो तो इसमें इस साइड और सामने की तरफ दोनों साइड से ये ब्रेकर मारना पड़ेगा। जस्ट एक साइड से हम क्रैक करते हैं इसको, ये क्रैक हो चुका है तो अभी इसको खोल लेंगे। तो सेंटर मिलर हो, सेम टू सेम प्रोसेस करनी है और ये टाइल्स क्रैक हो चुका है। अभी धीरे धीरे इसको यहाँ से टाइट करेंगे और इस हिस्से को हम दबाएंगे तो यहाँ से ये टाइल्स क्रैक हो जाएगा और ये कटिंग परफॉर्मेंस हो जाता है। तो ये था हमारा 32x67 का। इसमें एक आपको जो एरिया है आप देख सकते हैं, इसमें चिपिंग नहीं निकलता है और कटिंग बहुत अच्छे से होता है। ये पूरा डिज़ाइन एक कॉम्पैक्ट मॉडल पर दिया है कि इसको आप 4.5 फीट में
रख सकते हो। एंड ये दो प्रोफाइल हमने यहाँ पर ऑलरेडी लगाई है और एक प्रोफाइल और एक्स्ट्रा भी है, 10.5 फीट तक ये काम करता है। आप इसको अभी देख सकते हो, ये जो परफॉर्मेंस कटिंग हुआ है, बट इसमें आप मिनिमम जो कटिंग का पट्टी निकाल सकते हो वो है 40 mm का, और मैक्सिमम कटिंग लेंथ 10.5 फीट, मैक्सिमम थिकनेस 10 mm तक ये मशीन वर्क करता है। तो इसमें 3 प्रोडक्ट और भी है, 4 फीट का आपको लेना है तो 4.5 फीट की प्रोफाइल मिलेगी, एक प्रोफाइल मिलती है 3 फीट की, एक मिलती है 4 फीट की। तो समझो कि जिसको भी ये प्रोफाइल में पूरा कॉन्सेप्ट नहीं लेना है, तो इसमें 3 या 4 हिस्सों में हमने बांटा है, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा।